सभी को मेरा नमस्कार हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे रिमोट आते हैं जिनका बटन उखड़ जाता है। बटन मीन्स PCB से ही बटन उखड़ जाता है, उसका पत्ता से कनेक्शन आउट हो जाता है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बटन पूरा उखड़ जाए, बोर्ड से भी उसका कनेक्शन आउट हो जाए, तो उसको कैसे जम्पर के थ्रू उसको सोल्डिंग करके उसको ठीक किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा रिमोट है, ये कार का रिमोट नहीं है, ये आपका डोर ओपन और डोर क्लोज करने का रिमोट है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका, मैं कैमरा टे देखिए, इसका बॉडी से ही आउट हो चुका है, मतलब कि PCB से ही पत्ता के साथ में पूरा उखड़ चुका है। इसको आज हम लोग ठीक करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि ये आपका हो गया मेन बॉडी का, और यहाँ हमने एक स्क्रैच किया है, यहाँ से इसको वायर जोड़ के यहाँ पे इसको जोड़ेंगे जिससे रिमोट वर्किंग चालू हो जाए। ये इसका कनेक्टर, मतलब यहीं से इसको करंट यहाँ से पास होके यहाँ जाता है और बोर्ड में सिग्नल सप्लाई करता है, यही मेन है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ जहाँ स्क्रैच किया था वहाँ एक पतला सा रंगा का लेयर दे दिया गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों को जोड़ के कैसे हम इसको जिंदा करें। देखिए ये तार है, हम एक इसमें से एक तार लेंगे, वायर लिए, देखिए हमारा काम तो हो गया है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, ये हमारा बैटरी है, वोल्टेज टेस्टर है, पहले बैटरी चेक कर लेंगे, बैटरी ओके है। अब हम इसमें बैटरी डालेंगे, अब देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी टेस्टर, इसमें फ्रीक्वेंसी शो नहीं कर रहा है, लगता है कि ये गेट का रिमोट है, लेकिन ये वर्क तो प्रॉपर कर रहा है। ये शटर उठने और गिरने का है, ये दोनों बटन आए, ये वर्क, इसमें पावर नहीं है, इसमें पावर है। वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, सोल्डिंग फिर से उखड़ गया है, आप देख सकते हैं, फिर से इसको हम सोल्डिंग करेंगे।
इसमें पावर नहीं आ रहा है। खैर हो सकता है कि कुछ फंक्शन हो। अभी आ रहा है, इसको 3 बार दबाने से। इसके बारे में हम उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम तो प्रॉपर कार का रिमोट बनाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं तो काम आपका एकदम जेन्युइन हुआ है। ठीक है, थैंक्स हमारा वीडियो देखने के लिए।